पहली चीज़ ये है कि इसमें कहीं भी भेदभाव नहीं है, 1% भी नहीं है। और ये देखिए आप, अगर प्री का क्वेश्चन अगर इंग्लिश में वही चीज़ आता है तो हिंदी में भी रहेगा, उर्दू में भी रहेगा, जिस लैंग्वेज में आपका है उस लैंग्वेज में रहेगा। ज़्यादा आपकी बार इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादातर आए? इस बार तो बहुत ज़्यादा टफ था, पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए या और पहले का जितना भी एग्ज़ाम इसका सीसेट का पेपर हुआ है उसकी अपेक्षा में तो इस बार बहुत ज़्यादा टफ था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट लाइफ। अभी हम मुखर्जी नगर में हैं। तो अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले UPSC CSE का रिजल्ट आया है, तो उसमें भी लास्ट ईयर की अपेक्षा इस बार भी हिंदी मीडियम को कुछ देखा जाए तो कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुए है। इस बार भी 25 से 35 के बीच ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि स्टूडेंट का, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पहले कुछ लोग कहते थे कि नहीं UPSC भेदभाव करता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो इस बार देखा जाए तो रवि सर का इस बार 18 रैंक है हिंदी मीडियम से, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और अभी जो 5 तारीख को प्रीलिम्स हुआ है तो CSET वगैरह और कैसा पेपर रहा हिंदी मीडियम के लिए, तो इस बारे में सारी बातें कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भैया आपका नाम और किसी की तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं गोरखपुर से यूपी से हूँ और मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। भैया आप? मेरा नाम मोनू कन्नौजिया है और मैंने पहले CDS की प्रिपरेशन करी थी और मैं SSB दे चुका हूँ और मैं इसमें UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आपके दोनों का मीडियम क्या है? मेरा हिंदी मीडियम है। आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम है। तो भैया जैसे आप हिंदी मीडियम से हैं तो अभी आपने देखा होगा कि इस बार हिंदी मीडियम से रैंक इम्प्रूव हुआ है, लेकिन एक देखा जाए तो सिलेक्शन आसपास या जो लास्ट ईयर था इस बार भी शायद सेम ही है, तो इस क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ये तो सही है कि पिछले साल से थोड़ा रैंक में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन हिंदी मीडियम में, लेकिन ये अपेक्षाकृत जो सिलेक्शन होना चाहिए वो नहीं होना। जैसे कि अभी हिंदी मीडियम का रिजल्ट आया है तो उसमें देखा जाए तो रैंक इम्प्रूव हुआ है, इसके अलावा सिलेक्शन देखा जाए तो लास्ट ईयर उसके पहले भी जो था उसी के आसपास एक रेशियो है, 2-4 स्टूडेंट्स मुझे लगता है कैंडिडेट्स ही ज़्यादा सिलेक्शन हुए इस बार। तो इसमें आप कैसे देखते हैं इसको, कंटेंट को लेकर और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं तो कैसे? जैसे पहले ये एक भ्रम था कि हिंदी मीडियम में ये सिलेक्शन नहीं होता या आता है रैंक 300 के पार आता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये इस बार का रिज़ल्ट ये शो किया है कि अगर आप आपके अंदर है, टैलेंट है और आपने प्रैक्टिस अच्छा किया है और चीज़ों को कवर अप किया है तो ये समझ सकते हैं कि आप भी निकाल सकते हैं। कोई भी मीडियम बैरियर नहीं है, चाहे आपका पाली हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो आप 22 भाषा में कोई भी दे सकते हैं, उसका कोई बैरियर नहीं है। हाँ, पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी रिज़ल्ट तो इम्प्रूव ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी रैंक में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो इस बार का आपने जो प्रीलिम्स हुआ था तो इसका दिया है कि अब अगले साल वाला देंगे? नहीं, इस बार मैंने दिया है, लेकिन CSET तो ठीक हुआ है लेकिन GS का थोड़ा उतना बढ़िया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब देखते हैं क्या होता है। बात करें जैसे कि बताया आपने CSET को लेकर, तो मोस्ट ऑफ मैंने देखा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को जो होता है CSET को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, तो इस बार क्या था CSET का रेशियो, कितना लेवल था क्वेश्चन का लेवल? इस बार तो बहुत ज़्यादा टफ था, पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए या और पहले का जितना भी एग्ज़ाम इसका CSET का पेपर हुआ है उसकी अपेक्षा में तो इस बार बहुत ज़्यादा टफ था। और फिर भी थोड़ा टफ था, और GS का पेपर तो पहले जैसे एलिमिनेशन प्रोसेस पे होता था कि आप एक अगर आपको कंफर्म है, 2 कंफर्म है तो उसके बाद से 1-2 एलिमिनेट कर देंगे, 50-50 का रहता है, वो आपको पता चल जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, पैटर्न टोटली चेंज हो गया। जैसे कि आपको अगर कोई एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब एक सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर, 4 पेयर सही है। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए दोनों CSET उसमें? मैंने CSET में 49 अटैम्प्ट किया था और 85 और 90 के बीच में उसमें GS फर्स्ट दिया है। जी, मैंने प्रीलिम्स दिया है। तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने? मैंने 69 जो फर्स्ट पेपर था उसमें मैंने 69 अटैम्प्ट किया था और जो सेकंड पेपर था उसमें 34 किया था मैंने। तो जैसे कि देखा जाए तो 3-4 साल अप्रोक्स 4 साल से देखा जाए तो हिंदी मीडियम का जो रैंक था मतलब 250-300 के ऊपर ही रहता था। तो अभी इस बार रैंक आया है, रवि सर का 18 रैंक है और एक सर हैं तो उनका 22 रैंक है। तो कैसे देखते हैं आप इनको कि हिंदी मीडियम का जो रैंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया कि अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो वो इतना भी रैंक फर्स्ट रैंक भी हो सकता है, तो आप कैसे देखते हैं? जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू अभी मैंने देखे भी हैं तो उसमें जैसे ये कहा गया है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट अच्छे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि कंटेंट नहीं है। तो जैसे मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, हाँ इंग्लिश मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में ऐसा माना जाता है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने MA इंग्लिश से किया है,
तो जैसे आपके मित्र हिंदी मीडियम से, आप इंग्लिश मीडियम से तो साथ ही रहते होंगे, तो आप दोनों सेम कंटेंट एक दूसरे का देखते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि हाँ दोनों में कंटेंट और भी जो चीज़ें हैं तमाम प्रकार की, उसमें क्या डिफरेंट है? जैसे डिफरेंट, अब ऐसा कहते हैं ना कि इंग्लिश में कुछ डिफरेंट है, कुछ नहीं, लेकिन जैसे मटेरियल आते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम उसी चीज़ को सेम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में हिंदी में कुछ अलग हुआ, इंग्लिश में कुछ अलग हुआ, तो UPSC भी ऐसा देखती है कि जो लेवल है इंग्लिश तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाने के बाद से अगर आप इंग्लिश किसी अगर मान लो आप साउथ में चले गए, वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी होता है, इंग्लिश है हिंदी है नहीं, इंग्लिश कंपलसरी है, तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश भी एक जरिया है ताकि बच्चों को ये चीज़ें जो है UPSC को क्रैक करना है, चाहे कुछ आगे बढ़ना है, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इस बार आपने बोला कि मैंने प्रीलिम्स दिया है, तो आपका ऑप्शन क्या भैया? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री। हिस्ट्री है, तो आपको क्या लगता है कि आपका हिस्ट्री कितना हेल्प हुआ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए अभी जो पेपर पीटी का हुआ हिस्ट्री? मैं समझता हूँ हिस्ट्री का तो ठीक ठाक था, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप का क्वेश्चन था, और उसको मैं समझता हूँ कि अगर ऑप्शनल मैंने किया है तभी उसको टच कर पाया होता, अगर मैं GS बस ऐसे ही पढ़ा होता तो नहीं कर पाता। और इसमें यह था कि सारे पोर्शन से आया था, ज़्यादातर इसमें इकोनॉमिक्स का था, इन्वायरमेंट का था, साइंस एंड टेक का था, इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। तो जैसे कि बात करें भेदभाव की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, पहले देखा गया कि आपने भी बोला था कि हिंदी ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था इसके पहले कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली UPSC भेदभाव करता है, कम नंबर देता है, जो भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो अब तो उन लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ ये है कि इसमें कहीं भी भेदभाव नहीं है, 1% भी नहीं है। और ये देखिए, आप अगर प्री का क्वेश्चन अगर इंग्लिश में वही चीज़ आता है तो हिंदी में भी रहेगा, उर्दू में भी रहेगा, जिस लैंग्वेज में आपका है उस लैंग्वेज में रहेगा, तो उसमें कहीं बैरियर है नहीं। अगर उसके बारे में आपको पता है तो आप जवाब देंगे। जैसे कि इसमें मिडवल हिस्ट्री का एक पूछा था टर्म था, फड़म किसे कहते हैं, अब जो पढ़ा रहेगा वो बताएगा कि सिक्का है कि आभूषण है क्या है। अब उसको चाहे इंग्लिश में आप बोलिए, चाहे हिंदी में बोलिए, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप बोलिए, उसमें कहीं कोई बैरियर नहीं है। ये तो बस एक भ्रम है, आपको देना है जिस लैंग्वेज में आपको देना है, आप सूटेबल हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, उस लैंग्वेज में दीजिए, कहीं भी कोई मार्क्स नहीं काटा जाता है। आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था। तो कितने दिनों से आप यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में रह गए थे? मैं लगभग 13-14 महीना हो गया। 14 महीने, तो आपने इसके लिए कोचिंग लिया था ऐसे नॉर्मल? नहीं, इसके लिए मैंने कोचिंग नहीं लिया था, ऑप्शनल के लिए मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कोचिंग लिया था। तो सर, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं दिल्ली कोचिंग करने ही आते हैं, तो आप भी दिल्ली रहते हैं, तो आपने दिल्ली आए फिर भी कोचिंग लिया, तो ऐसा क्या था? पहले मैं कर चुका था ध्येय से, तो उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं लगा कि मुझे करना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं किया, और ऑप्शनल के लिए ज़रूरी था तो ऑप्शनल मैंने कर लिया। ये आपका नाम और आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मेरा नाम राम कुमार है, मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ इस बार। राहुल, मैं राहुल। आप किस चीज़ की तैयारी? UPSC की। इस बार आपने भी प्रीलिम्स दिया क्या? हाँ जी जी है। तो जैसे आपने इस बार प्रीलिम्स दिया है, तो आपको इस बार का पेपर जो था तो क्या लगा? लास्ट ईयर भी आपने प्रीलिम्स दिया था? हाँ, लास्ट ईयर भी मैंने। हाँ, तो उस बार की अपेक्षा से देखा जाए तो पेपर कितना टफ था, या इजी था, या मॉडरेट, जो भी था? मॉडरेट था पेपर, तो मॉडरेट था, लेकिन पिछले बार जितना था जो लेवल था वही इतना ही बना रहेगा। और बात करें सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए? ज़्यादा अब की बार इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादातर आए इसे। और देखा जाए तो देखा जाता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को काफ़ी CSAT में दिक्कत आती है, तो आपका CSAT कैसा रहा है? हाँ, CSAT टफ होती है, CSAT तो मेरा ठीक ठाक रहा, लेकिन CSAT बहुत खासकर कई का GS में हो जाता फर्स्ट पेपर में, लेकिन CSAT में वजह से नहीं होता। जी आपका कैसा CSAT रहा भैया? मेरा CSAT लास्ट टाइम अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस टाइम अच्छा रहा, मतलब मुझे लगा कि आसान, पहले से आसान लगा मुझे CSAT। आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए CSAT में? CSAT में मैंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 60 किए थे। तो भैया देखा जाए तो पहले क्या कहा जाता था कि कुछ लोग कहते थे कि जो UPSC है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का अलग व्यवहार करता है, इंग्लिश मीडियम वालों की अपेक्षा भेदभाव करता है। इस बार देखा जाए तो हिंदी मीडियम का जो रवि सर है उनका 18 रैंक है, एक सर और है उनका 22 रैंक है, तो ऐसा तो अब लगता नहीं है कि भेदभाव करता है, तो आपका क्या कहना है? नहीं, ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है, हिंदी मीडियम वाले भी अब की बार बहुत अच्छा किया, सबसे अच्छा किया अब की बार, और CSAT वजह से भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं है। अब की बार CSAT क्वेश्चन भी ठीक आए थे, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे वो भी अच्छे किए थे अब की बार, सही क्वेश्चन। बात करें जैसे कि इस पे आप रैंक वगैरह इस बार काफ़ी इम्प्रूव हुई है, तो देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम वाले के स्टूडेंट में ही प्रॉब्लम है? नहीं, कठिन तो सबके लिए होता है। बिल्कुल हाँ, तो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ
मेहनत करने की जरूरत है हिंदी मीडियम वाले को भी, जैसा कि अब आ रहे अच्छे, तो अगली बार उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस हिंदी मीडियम वाले के। तो इस बार भी भैया देखा जाए तो कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ हिंदी मीडियम के रिजल्ट में, पिछली बार रैंक इस बार इम्प्रूव हुआ है तो, और रिजल्ट की जो संख्या थी कैंडिडेट्स की वो ज़्यादा नहीं बढ़ी, इस बार 25 से 35 के बीच ही कैंडिडेट हैं, उस बार 20 थे, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे इंक्रीज होंगे ना, बढ़ेंगे, अब लोगों का हौसला आएगा हिंदी मीडियम वाले को, नहीं होते सिलेक्शन तो आगे जाएंगे और भी मेहनत करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, बस हम तो चाहते बराबर हो जाए, जितना इंग्लिश मीडियम वाले का हो उतना हिंदी मीडियम वाले का भी हो। आपको ऐसा क्या है, एक मतलब फैक्ट है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को देखो तो इतना ज़्यादा 4,000-5,500 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, हिंदी मीडियम वालों का 20-50-30 ऐसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है और सोशल बैकग्राउंड होते ही है बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं अच्छे स्कूल में पढ़े होते हैं, इंग्लिश मीडियम में अच्छा स्कूल महंगी फीस दे के पढ़ते हैं, तो इसका होगा ही ज़्यादा, हम बहुत लोगों तक तो कंटेंट में आपको क्या लगता है कि सेम कंटेंट है कि हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कंटेंट? नहीं, कंटेंट तो अब तो अवेलेबल है, इंटरनेट की ज़माना है, वैसे बुक भी मिलता है पर्याप्त रूप से, अब 10 साल जो पहले था वो बदल गया, वो सिनेरियो बदल गया है, अब बेहतर है, हिंदी मीडियम में भी बहुत सारे सोर्सेज अच्छे हैं, कई तो इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी मीडियम की बुक पढ़ते हैं, इतने अच्छे अच्छे बुक है। सर जैसे कि प्रीलिम्स में कुछ पोर्शन इंग्लिश का भी होता है, तो आप हिंदी मीडियम से, तो आपने उसको कैसे हैंडल करने की? नहीं, हिंदी के शब्द होते जो कठिन होते थोड़ा सा, तो इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश वाले भी रखना चाहिए, वैसे भी नॉलेज रखना चाहिए, मेंस में भी 300 का इंग्लिश होता है। तो भैया देखा जाए तो जो न्यू स्टूडेंट हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं और हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? नहीं है, तैयारी तो खैर जहाँ पे हैं वो वहाँ पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में आने के लिए, लेकिन हाँ ठीक है, अगर वो आना ही चाहते हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं दृष्टि में नहीं पढ़ा लेकिन वो दृष्टि से कोचिंग लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। दृष्टि बेहतर है वैसे हिंदी मीडियम के लिए, दृष्टि बहुत बेहतर, उसका टीम काम कर रही है अच्छा। हाँ बोलिए।